साल की शुरुआत धमाकेदार होनी चाहिए, धुआंधार होनी चाहिए। दोस्तों ठीक दो दिन पहले 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म पठान, जिसका फैंस के बीच में बहुत ही ज्यादा क्रेज हमें देखने को मिल रहा था। और पठान फिल्म को आज सिनेमाघरों में तीसरा दिन है और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि फिल्म की कमाई ने बॉक्स ऑफिस पर सभी को हिलाकर रख दिया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन करके अब तक के सारे बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। बॉलीवुड और साउथ की तो बात छोड़िए, फिल्म पठान ने हॉलीवुड को भी पीछे छोड़ दिया है, वो भी इंडिया के अंदर। और इंडिया में पठान फिल्म ने वो कारनामा कर दिखाया है जो ना तो कभी आज तक कोई भी ऐसी फिल्म कर पाई थी और ना आगे कभी कर पाएगी। तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में पठान फिल्म के पूरे तीन दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। अपने पहले दो दिनों में फिल्म पठान ने टोटल कितनी कमाई कर ली है इंडिया से, वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना रहा और आज अपने तीसरे दिन फिल्म कितनी कमाई करने वाली है, तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें फिल्म पठान की तो सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में यह फिल्म बनी थी, जिसमें शाहरुख खान, जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण हमें अहम किरदारों में नजर आए थे। वैसे फिल्म का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ था तो फैंस इस फिल्म को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन उससे पहले ही सालों से फिल्म पठान का फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और अब जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है तो वाकई फिल्म ने सिनेमाघरों में इतिहास रच दिया है। फिल्म ने इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड बना दिए हैं कि आने वाले टाइम में बड़े बड़े अभिनेता ये रिकॉर्ड्स नहीं तोड़ पाएंगे और ये रिकॉर्ड्स बहुत सालों तक टिकने वाले हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं फिल्म के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो मैं आपको बताता चलूं कि फिल्म का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए का था, तो वहीं फिल्म को इंडिया के अंदर 5,500 स्क्रीनें मिली थी तो ओवरसीज से फिल्म को 2,500 स्क्रीनें मिली थी और कुल मिला के ये फिल्म पूरे वर्ल्ड में 8,000 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी। अब बात करूं अगर मैं फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो अपने पहले दिन फिल्म ने 57 करोड़ रुपए का इंडिया से नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, तो वहीं फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन था 70 करोड़ रुपए का। ओवरसीज से भी फिल्म ने 37 करोड़ रुपए कमाए थे और पहले दिन का कलेक्शन रहा था पूरे वर्ल्ड में 107 करोड़ रुपए का। उसके बाद दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में जो उछाल आया है उसने सभी को हैरान किया है। दोस्तों दूसरे दिन फिल्म का इंडिया से नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 70 करोड़ रुपए का। जहां दोस्तों इंडिया से नेट कलेक्शन दूसरे दिन का 70 करोड़ रुपए का रहा है, तो वहीं फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 80 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। ओवरसीज से भी फिल्म ने लगभग 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है, तो वहीं फिल्म का जो दूसरे दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है पूरे वर्ल्ड में वो 110 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हुआ है। तो अगर मैं बात करूं फिल्म के दो दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो अपने पहले दो दिनों में पठान फिल्म ने इंडिया में जो नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो 127 करोड़ रुपए का किया है, तो वहीं फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 152 करोड़ रुपए का रहा है अपने पहले दो दिनों में। और वहीं फिल्म वर्ल्ड वाइड में अपने पहले दो दिनों में फिल्म 219 करोड़ रुपए कर चुकी है। जहां दोस्तों 219 करोड़ रुपए जो कि अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं तीसरे दिन यानी कि आज की, तो दोस्तों आज के कलेक्शन में हमें गिरावट देखने को मिली है क्योंकि आज वर्किंग डे है, लेकिन कल सैटरडे और संडे फिल्म फिर से वहीं जाने वाली है। लेकिन अगर बात करूं मैं आज तीसरे दिन की तो दोस्तों तीसरे दिन का जो कलेक्शन है वो 35 करोड़ रुपए इंडिया से नेट रहने वाला है, तो वहीं फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 41 करोड़ रुपए रहेगा। अगर मैं बात करूं ओवरसीज की तो ओवरसीज से भी फिल्म 20 करोड़ रुपए कमाने वाली है और फिल्म का टोटल तीसरे दिन का कलेक्शन 61 करोड़ रुपए पूरे वर्ल्ड से रहने वाला है। अगर मैं बात तीन दिनों के पूरे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो अपने पहले तीन दिनों में ही पठान फिल्म का जो इंडिया में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 160 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो जाएगा, तो वहीं फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 191 करोड़ रुपए का हो जाएगा, तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में 277 करोड़ इन 3 डेज और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन दोस्तों अब आपको इसमें क्या है कहना, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा।